कैसे हैं दोस्तों। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 10 बेसिक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये हैं बेसिक फॉर्मूले, लेकिन बड़े से बड़े फॉर्मूले के अंदर भी इनका सपोर्ट लिया जाता है और कहीं ना कहीं ये बहुत काम आते हैं। अगर इनका सपोर्ट ना लिया जाए तो भी काम नहीं बैठता है। इससे पहले दोस्तों, इसे विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए व बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ज़रूर मिल जाए। तो यहाँ पे हमने एक डेटा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हम उस पास ये 10 बेसिक फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो आज के हमारा जो टॉपिक है उसमें है मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, इफ़, डेट, टाइम, नाउ, टूडे, सम एंड काउंट फंक्शन। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं मिनिमम फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पे सेल्समैन के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट उन्होंने बेचे हुए हैं और कितने कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचे हैं। तो मिनिमम का दोस्तों फ़ायदा ये है कि कंपनी देखना चाह रही है कि सबसे कम प्रोडक्ट किसने बेचा है जिस पे हमें काम करना है आगे। इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन, उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको देखना है, और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे दिखा रहा है डेटा, हमारा फॉर्मूला दिखा रहा है कि एक क्वांटिटी, सबसे मिनिमम क्वांटिटी क्या है इसके अंदर, एक। देखिए 84136, सबसे कम वैल्यू क्या है, 1। दोस्तों ये डेटा बहुत छोटा है इसलिए आपको कम दिख रहा है। अगर डेटा यही अगर हज़ारों के रोज में होगा तब ये वहाँ पे बहुत काम आता है। तो यहाँ पे जैसे एक क्वांटिटी है तो सुनील यादव ने सबसे कम प्रोडक्ट बेचे हैं, तो कंपनी इस पर काम करेगी, उनसे बात करेगी कि ऐसा क्या है। तो यह काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है। इसी की तरह सेम एक होता है मैक्सिमम फॉर्मूला। यहाँ पे कंपनी ने इसमें डेटा में देखा, कंपनी ने सबसे कम प्रोडक्ट किसने बेचे। यहाँ कंपनी देखना चाह रही है सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किसने बेचे हैं। तो इक्वल्स टू मैक्सिमम ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज में हम देखना चाह रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे 8 पीस, तो यहाँ पे बता रहा है कि राम कुमार ने MI के TV बेचे हैं 8 पीस। सबसे ज़्यादा दोस्तों देखिए 8 पीस इन्होंने ही बेचे हैं। श्याम के देखेंगे 4 पीस हैं, सुनील का 1 पीस है, गीता का 3 पीस है, योगेश के 6 पीस हैं। तो सबसे ज़्यादा किसने बेचे, 8 पीस राम कुमार ने। अब हम थर्ड टॉपिक बात करेंगे एवरेज पे। अब हम तीसरे फॉर्मूले बात करेंगे एवरेज फॉर्मूले के बारे में। एवरेज में कंपनी देखना चाहती है कि एवरेज हमारा प्रोडक्ट कितना बिका है, यानी अगर 10 लोग बेच रहे हैं तो हमारा एवरेज वैल्यू, एवरेज सेल क्वांटिटी क्या निकल रही है। यहाँ पे कंपनी देखना चाह रही है अब हम बात करेंगे एवरेज फॉर्मूले के बारे में। एवरेज फॉर्मूला दोस्तों वहाँ काम आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जो सेल कर रहे थे, यहाँ पे हम कंपनी ने देखा सबसे कम किसने बेचा जिसमें हमें काम करना है, यहाँ पे कंपनी ने देखा सबसे ज़्यादा किसने बेचा है जिसको हम ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह देंगे या जो भी प्रॉफिट वगैरह देंगे, या फिर जो भी स्टाफ ऑफ द मंथ रहेगा उसके लिए, जो भी कंपनी देखना चाह रही है सबसे ज़्यादा कौन बेच रहा है, सबसे कम कौन बेच रहा है। लेकिन यहाँ कंपनी देखना चाह रही है, दोनों चीज़ें देख ही रही है। यहाँ पे कंपनी देख रही है कि हमारा एवरेजली प्रोडक्ट कितना बिक रहा है मंथ के अंदर। मान लीजिए एक बंदा एक बेच रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम है, राम ने 8 पीस बेचे, श्याम ने 4 बेचे, सुनील ने 1 बेचा, गीता ने 3 बेचा, योगेश ने 6 बेचा। तो हर कंपनी का टारगेट होता है कि कम से कम हमारे महीने में 10 पीस तो बिकना ही चाहिए, सबका मिला के 15, 20, 50, 20, 100 पीस इस तरह बिकना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालेंगे। तो इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कंपनी का टारगेट था 5 पीसेस मंथली बिकने ही चाहिए, जबकि यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 4.4। ये मंथली बेसिस पे हो सकता है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है, जैसा कंपनी चाहे उस बेस पे होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एवरेजली हमारी सेल क्या आ रही है। फोर्थ, अब हम करेंगे इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो काफ़ी जगह काम आता है, बड़े से बड़ा या छोटे छोटे फॉर्मूला हर जगह इफ़ वो अगर काम में ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट नेम, उनके मार्क्स, यहाँ पे स्कूल देखना चाह रही है कि अबाउट 60 से जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे वो फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, 60 to 45 के बीच में जो रहेंगे वो सेकंड डिवीज़न रहेंगे, 40 to 33 के जो बीच में आएंगे वो थर्ड डिवीज़न रहेंगे, और उससे नीचे जो रहेंगे वो फेल होंगे। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, जो सबसे जो भी हमारी रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया C12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
60, अगर ये वैल्यू 60 या 60 से ऊपर हो तो फर्स्ट रैंक कॉमा इफ यदि ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 के बराबर हो या 45 से बड़ी हो और 60 से कम हो तो सेकेंड रैंक कॉमा इफ। हम यहाँ जितनी चाहे कंडीशंस लगा सकते हैं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर ये वैल्यू 33 के बराबर हो या इससे बड़ी हो तो थर्ड रैंक, अदरवाइज फेल, ब्रैकेट बंद, एंड। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने डबल कोट लगाना, सिंगल कोट ही लग गया है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब दोस्तों उसको सीधा एक बार ड्रैग कर देंगे पूरे में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राम कुमार को 25 मार्क्स मिले तो फेल, क्योंकि हमारी कंडीशन ही यही थी कि जो 60 या 60 से ऊपर आएगा वो फर्स्ट रैंक होगा, 45 टू 60 के मिड में जो होगा वो सेकेंड रैंक होगा, 33 टू 45 के मिड में जो होगा वो थर्ड रैंक होगा, और बिलो 33 जो होगा वो फेल होगा। तो ये 33 से कम मार्क्स आए इनके तो ये फेल है, 45 पे सेकेंड रैंक, 55 पे भी सेकेंड रैंक क्योंकि ये 60 के बिलो में है, 70 फर्स्ट रैंक, 98 फर्स्ट रैंक। यहाँ पे अगर मान लीजिए 45 कराए हमने, अगर 44 भी करते हैं तो थर्ड रैंक, 45 करेंगे तो सेकेंड रैंक। इसके बाद हम चलते हैं डेट के अंदर, तो डेट में डेट निकालने के लिए हम क्या करना होगा, सिंपल सा कंट्रोल और सेमी कॉलन दबाइए और एंटर। ये हमारी डेट आ गई, मैं यहाँ पे शॉर्ट की भी लिख देता हूँ एक बार, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इसी तरह टाइम हमें देखना हो कि भैया टाइम क्या है, आज के डेट में जो फॉर्म लगाने होते हैं कई बार, तो हमको जैसे मान लीजिए हम कोई सैलरी स्लिप वगैरह बना रहे हैं या हम कुछ प्रिंट निकाल रहे हैं, हमको डेट और टाइम दोनों दिखाना है, तो डेट के लिए तो हमने लगा ही लिया है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन एंटर। ये टाइम आ गया है, इसके बाद में डेट एंड टाइम। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मुझे तो डेट और टाइम दोनों साथ में चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए, एक साथ ही चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम नाउ फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा एंटर। तो ऑटोमेटिकली उस डेट के अंदर क्या डेट है, किस समय पे हमने ये फॉर्मूला लगाया है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ये नाउ का फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन एंटर। यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देखिए डेट तो आ रही है लेकिन टाइम के आगे एम पी एम कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा था, उस केस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वन दबाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो देखिए डी डी एम एम वाई 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 वाई, यानी डेट आ रही है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है, मिनट्स आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो सेकेंड्स भी ले सकते हैं, डबल एस स्पेस और ए एम बैक स्लैश पी एम एंटर। तो देखिए दोस्तों दोनों चीज़ें आ गई हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस वन पे जाके फॉर्मेटिंग सेट करनी है। अब मुझे डेट और डे दोनों चाहिए, यानी मान लीजिए आज अगर वो है 4 तारीख, तो 4 तारीख लिखा हुआ है, 4 मई 2021 भी लिखा हुआ है और डे भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू टुडे, सिंपल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आ गया, ये था डेट रिलेटेड सारे फॉर्मूले थे। इसके बाद हम चलते हैं, अब आता है सम। सम के अंदर कंपनी देखना चाह रही है कि जो भी, जैसे राम है, एक बंदे का यहाँ पे रिकॉर्ड लिया गया है, राम है, राम के हिंदी में
78 मार्क्स आए, इंग्लिश में 62, मैथ्स में 69, साइंस में 90 और जनरल नॉलेज में 82। तो टोटल मार्क्स कितने आए हैं, राम कुमार के इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ से ज़्यादा कि हमको रेंज चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर 381। अगर हम चेंज भी करते हैं, जैसे मान लीजिए 80 यहाँ पे करते हैं 70 तो 384, तो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। इसके बाद में लास्ट हम काम करेंगे काउंट पे। अब ये दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, काउंट फॉर्मूला कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे मान लीजिए हम बहुत बड़े रो में काम कर रहे हैं, डेटा में काम कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कौन सा सेल ब्लैंक है कौन सा सेल ब्लैंक नहीं है, कितने में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने मान लीजिए मैंने देखा कि मेरी सीरीज नंबर तो 1 to 100 है, यानी 100 लोगों के 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 100 लोगों के अंदर सबका डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, और फिल्टर मुझे लगाना नहीं है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सीधा इक्वल्स टू और काउंट कर लेंगे और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंटर। तो यहाँ देखिए 4 के अंदर डेटा आ रहा है, यहाँ पे 1 में माइनस है तो उसको काउंट नहीं करेगा, आटा भी देंगे तो भी काउंट नहीं करेगा, ये डालेंगे तो भी काउंट नहीं करेगा, अगर यहाँ से बटा देंगे तो 3 काउंट करेगा। तो ये काउंट करने का काम आता है, ये कहाँ पे कोई सेल ब्लैंक है कौन सा ब्लैंक नहीं है, तो जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर आएगा उसी को ये काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।